ये परिणाम किसी को समर्पित नहीं होंगे, कोई हजम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ 70 से ज्यादा कांग्रेस की सीट होनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। ईवीएम से हमें सुनते अलग जिले है शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। हरियाणा में कांग्रेस की एक बार फिर करारी हार हुई है और यहाँ बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने ज्यादातर एग्जिट पोल को फेल कर दिया है, यानी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और जो कांग्रेस जीत माने बैठी थी उसे एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा है। हार से तिलमिलाई कांग्रेस के नेता अब ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। पता इनको भी था कि हम हार रहे हैं, पर ये क्या खेल हो रहा है, समझ से बाहर है, क्योंकि बैलेट पेपर में बड़े 70 तक 72 तक हम पहुंच गए थे, ईवीएम खुलती फिर हम गिरते चले गए। ये खेले को समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव महाराष्ट्र को साथ नहीं लिया, ये कोई कारण हो सकता भाई हम जीत के जाए? मोदी जी कभी हार के नहीं जाते हैं। सही मायने में अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारती है तो पूरे हरियाणा की हार है, महिला की, मजदूर की, दलित की, हर आदमी की हार। हर आदमी कांग्रेस के साथ और हुड्डा राहुल गांधी के साथ है। ये परिणाम किसी को समर्पित नहीं होंगे, कोई हजम नहीं करेगा। अभी मैं सुबह से मीडिया में हूँ, हर आदमी पहले ही बधाई दे रहा था, 4 दिन पहले तो बीजेपी वाले भी बधाई दे रहे थे। अचानक इस तरह के परिणाम जैसे ईवीएम खुली है आ रहे हैं, सोच और समझने वाली बात है। ये 10 साल में चल क्या रहा है देश में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरेआमी हो रही है। मैं कह रहा हूँ 70 से ज्यादा कांग्रेस की सीट होनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल गिरते जा रहे हैं, और बैलेट पेपर में हम 70 भी पार कर रहे थे। सवाल बहुत बड़ा है, इस पर सोचना समझना पड़ेगा। ईवीएम से हमें सुनते अलग जिले है, झगड़ा करते रहे। मैं तो लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, पब्लिक से हम लोग भी बात करते हैं। पब्लिक 3 वर्ड जो है ना कांग्रेस के नेताओं के मुंह से सुन के बोर हो गई है, अडानी, अंबानी और ईवीएम। ये 3 सुन सुन के लोग पक गए सर, ये छोड़ दीजिए इसको। हाँ, मैंने चुनाव जहाँ जीतेंगे वहां पर आपका ईवीएम, अभी अभी आप कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है, इस बात को समझ लीजिए आप। नहीं जगदीश भाई, कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है तो वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, तो लोकतंत्र ईवीएम की जीत है, लोकतंत्र की हार है। अरे पर सर, ईवीएम कश्मीर में ठीक काम कर रहा है, हरियाणा में गड़बड़ हो गया सर। अखिलेश जी ने कहा जगदीश जी, ईवीएम कश्मीर में ठीक है, वहाँ आपकी 47 सीटें हैं। ये तो खेला करिए, कश्मीर में बीजेपी है कहाँ? कश्मीर में बीजेपी है कहाँ? अरे बस, तो जब ईवीएम सेट करना रहेगा तो कहीं भी करेंगे भाई। ये क्या बात है जगदीश भाई, ऐसा नहीं होता है ना कि आप अपनी सुविधा से सीटें तय करें। जीत गारे थे कांग्रेस के, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, अचानक क्या हो गया? कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, इस बात को समझिए, आप सब बुद्धिजीव बैठे हैं, लोकतंत्र का मजाक मत। जगदीश भाई, आपके साथ दिक्कत क्या है कि सुबह बहुत जल्दी आप जीत मान लेते हैं, तुरंत आप हार मान ले रहे हैं। अभी तो चल रहा है ईवीएम भाई, अभी तो जांच, अभी तो नंबर्स काउंट हो रहे हैं। आप हम जनता के बीच में है, हम जनता के बीच में है। अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे, ये आंकड़े भी नहीं आने चाहिए। जैसे ही रुझानों में हरियाणा में बीजेपी को बढ़त मिली, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वो चुनाव आयोग जाएंगे। सुनिए रुझानों पर जयराम रमेश का पहला रिएक्शन। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्यों ना, ये खेल खत्म नहीं हुआ है, ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है। वहीं कांग्रेस की हार पर पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुनिए। के आंकड़े 4th या 5th 6th राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5,200 वोटों से आगे हो गई। तो ये आंकड़ों में जो
मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं, चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग के, उस पर रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत क्या बोले, ये भी सुन लीजिए। पर जो ट्रेल आए वो बड़ा विश्वास करने योग्य नहीं है, अभी शांत विस्तृत होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज्यादा आ रहे, अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद आपको? नहीं देखिए, उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको कि जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेंड आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए, पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज्यादा ही कांग्रेस सुबह से ही लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर से जीत रही है कांग्रेस। ये बातें सब शाम को रात को पार्टी हाईकमांड पूरी तरह एनालिसिस करेगी, उसके बाद में सामने आया कि क्या जीत क्या हार हुई है और क्यों हुई है उसमें बात। जयराम रमेश ने कहा है सर कि मालूम है, जयराम रमेश जी ने कहा तो उन्होंने सोच समझ के कहा, वहाँ पर देखते हैं उसको क्या स्थिति बनती है। 370 का जो बीजेपी लेके आई थी जम्मू कश्मीर जीतने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ऐसा? अब देखिए, मैंने कहा अभी पहले चुनाव पूरे आने दीजिए परिणाम, शाम तक पार्टी हाईकमांड वहाँ के हमारे एक्सपर्ट जो इंचार्ज है वहाँ जम्मू कश्मीर के हरियाणा के अंदर वो सब विश्लेषण करेंगे, मान लो उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आए आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बाद विस्तृत होगा भाई कि क्या स्थिति बनी है। सर एग्जिट पोल की जहाँ तक बात की जाए, अब हरियाणा के जो परिणाम है, जो अब तक के परिणाम आए, एग्जिट पोल तो 6-7 थे, सभी ने एक तरफ बताया जीत कांग्रेस की। दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने देखी किस तरह कांग्रेस की तगड़ी क्लास लगा डाली। देखिए, कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहरीले नफरत के सामान आ चुके थे कि कितना भी बड़ा वो मिठाई की बात कर लें, वो कड़वाहट कम होने वाली नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, निर्णय यथार्थ पे करना चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालें। कांग्रेस वाले 99 के नशे में निष्कर्ष निकाल रहे थे। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का जब अंतिम परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से उसे जमीन पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा था, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा थी, तो मुख्यमंत्री की रेस में एक और नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला का था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस में जिस तरह मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी खींचतान देखने को मिली, उससे वोटरों के भीतर काफी गलत संदेश गया और उसका लाभ बीजेपी को मिल गया। इसके अलावा किसान और जाटों की नाराजगी की जो बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही थी, वो भी गलत साबित हुई। एंटी इनकम्बेंसी की बातों के बीच भी बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी।